वेलकम स्टूडेंट्स टू कुंडू क्लासेस। आज हम क्लास सेवेंथ का टॉपिक इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, ताकि आप पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ और आसानी से अपने सभी क्वेश्चंस के हल कर पाएँ। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स का एक कंबाइंड सेट होता है। ज़ीरो पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो आपको पता चल गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेते हैं और ज़ीरो लेते हैं। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। तो हमारे पास इंटीजर्स का ये एक सेट आ गया जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो गए। अब हम इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं ये बताएंगे। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। हमने ये लाइन ले ली, इसके मिडल में हमने ज़ीरो लिया, इसके राइट साइड पर हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर -1, -2 नेगेटिव नंबर्स लेंगे, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ये ज़ीरो ले लिया और इस टाइप से स्टार्ट कर दिया, जैसे उनको 3 या 4 चाहिए तो 4, -4 लेंगे, यहाँ पर -3, -2, -1 इस तरह से ले लिया। तो ये रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड क्या है कि ज़ीरो के बिल्कुल साथ में लेफ्ट साइड पर -1 से स्टार्ट करेंगे, फिर -2, -3 एंड सो ऑन, और राइट साइड पर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 टू सो। अब हम कोई नंबर प्लॉट करते हैं, जैसे हमने -6 प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ का कितने नंबर तक लिया है, -5। तो -6 के लिए हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, जैसे -6 ले लिया। तो अब आप इस पर सर्कल कर दो। अगर आपको इसको कोई नेमिंग करनी है तो आप नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ए का नाम दे दिया। तो ये हमारा -6 प्लॉट हो गया। और मान लो हमने प्लस का 3 प्लॉट करना है, यानी कि 3 नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो 3 ऑलरेडी हम ले चुके, तो हमने इस पर सर्कल कर दिया। इसको नेमिंग करना चाहते तो आप नेमिंग कर दीजिए। तो -6 और 3 ये दोनों के दोनों नंबर लाइन पर प्लॉट हो गए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू में ये सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। मान लो हमें -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो -3 की एब्सोल्यूट होगी 3। अगर हमें 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो भी कितनी होगी, 3। तो आपने देखा -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है और 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें 2-8 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी, 6 हो गई। और 2-2 की अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी, 0। ओके, सबको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, हम दो इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है। हमने मान लो दो एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, 13
और 12, हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास प्लस 25 आया। तो ये प्लस 25 लिखने की बजाय ओनली 25 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन स्किप कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो आप देखो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हमने, तो अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं और हमने उनको ऐड किया, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम क्या करेंगे, उनका भी हम ऐड करेंगे। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि सेम साइन थे दोनों इंटीजर्स के, तो ऐड होगा। दो नेगेटिव साइन है, ये भी सेम साइन है, तो भी क्या होगा, ऐड होगा। अब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और एक नेगेटिव इंटीजर लिया, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। यानी फर्स्ट हमारा क्या था, पॉजिटिव, सेकंड हमारा क्या था, नेगेटिव, तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। तो जब दो डिफर साइन के थे तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट। अब इसको चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर नेगेटिव ले लेते हैं, सेकंड नंबर पॉजिटिव ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव था और सेकंड क्या था, पॉजिटिव, तो भी क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। तो दो डिफरेंट साइन थे तो उसमें क्या आया, सब्ट्रैक्शन आई। लेकिन आप देखें हमने यहां पर 13 और -12 लिया था तो प्लस का 1 आया। लिया हमने यहां पर भी 13 और 12, 13 माइनस का लिया प्लस का 12 लिया तो -1 आया। तो ये साइन चेंज हुए, तो ये साइन आएंगे कैसे, अगर आपका पॉजिटिव नंबर न्यूमेरिकली बड़ा है तो साइन प्लस का आएगा, और अगर आपका न्यूमेरिकली नेगेटिव नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का आ गया। सबको समझ आ गया? अगर हम अब हमें दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कोई दो इंटीजर्स ले लेते हैं। हमने लिया +7 और +4, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 3। तो कैसे आया, देखो प्लस का 7 था, अब ये माइनस इसके अंदर लेकर जाओ, यहाँ प्लस का साइन आ गया, ये माइनस का 4 हो गया, और अब एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है। अभी हमने ऊपर किया था ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ठीक उसी तरह से अब हम प्लस माइनस का 7 ले लेते हैं और प्लस का 4 ले लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस का 7 था, अब ये माइनस अंदर चली गई तो यहां पर प्लस आ गया, तो ये माइनस का 4 अंदर हो गया। तो दोनों ही नेगेटिव नंबर्स थे, जब दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हो गए तो उनको ऐड किया, तो दोनों को नेगेटिव नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो क्या होगा, ऐड होगा ना, तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, माइनस का 11 आ गया। 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की। हमने टू नंबर्स लिए, दोनों सेम साइन के लिए, पॉजिटिव लेंगे पहले हम, हमने प्लस 3 लिया और प्लस 2 लिया, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 6। मींस दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव नंबर। यानी क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैज अ पॉजिटिव साइन। अब टू नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, हमने -3 और -2 ही ले लिया, यहाँ पर भी आपको आसानी रहेगी, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो भी +6 आया। यानी कि दो नेगेटिव नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर प्लस साइन आता है। तो वैसे सिंपली भाषा में कहा जाए तो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस दूसरे माइनस से कट हो जाती है। ठीक है, तो जब भी दो नंबर्स नेगेटिव साइन के मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस साइन। अब हम एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं,
हमने माइनस का 6 लिया, प्लस का 5 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 30 आया। तो पहले नेगेटिव नंबर था, दूसरा पॉजिटिव नंबर था, मल्टीप्लाई किया, साइन आया नेगेटिव। तो जब डिफर साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव में। अब प्लस का 5 लेते हैं और माइनस का 7 लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 35। तो फर्स्ट नंबर क्या था? पॉजिटिव। सेकंड नंबर क्या था? नेगेटिव। मल्टीप्लाई हुआ तो साइन कौन सा दिया? नेगेटिव का। तो आपको सबको समझ आ गया। तो पीछे जो हमने एडिशन में प्रॉपर्टीज की थी उसमें भी ऐसे ही था, दो सेम नंबर्स को प्लस किया था सेम साइन के तो ऐड हुआ था, और जब दो डिफर साइंस को ऐड किया था तो सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जो प्रॉपर्टीज हैं, दो सेम साइन के नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और जब डिफर नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन आ गया। सबको क्लियर है? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, अब हम डिवीजन सीखते हैं। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में ठीक उसी तरह से हम टू वही इंटीजर्स लेंगे, जैसे हमने लिया 12 प्लस का लिया, डिवाइडेड बाय, ये भी प्लस का 3 लिया, हमने प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? 4। तो यहाँ पर भी हम साइन की बात करते हैं, प्लस साइन को डिवाइड किया प्लस साइन से ही, तो आंसर भी किस में आया? प्लस साइन। अब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, -22 ले लेते हैं, -2 से हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 11। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब डिवाइड करते हैं तो जो हमारा कोशेंट आता है वो भी क्या आता है? पॉजिटिव। अब हम चेंज करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। हमने 32 लिया प्लस का और 8 ले लिया माइनस का, 32 को -8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आया -4। अब हम यहां पर माइनस का 24 ले लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं प्लस 6 से तो हमारा आंसर आएगा तो भी माइनस का 4। तो देखो पहला प्लस का साइन था, डिवाइड किया माइनस से तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो नेगेटिव आया, और फर्स्ट अगर हम नेगेटिव लेते हैं और डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से तो भी हमारा क्वेश्चन क्या आता है? नेगेटिव। तो जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में किया था ठीक उसी तरह से सेम साइन जब डिवाइड होते हैं तो साइन कौन सा देते हैं? पॉजिटिव, और डिफर साइन जब डिवाइड होते हैं तो साइन क्या देते हैं? नेगेटिव। तो आप सबको साइंस के बारे में पता चल गया होगा अच्छे से, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये अच्छे तरह से। बार बार वीडियो को देखिए आप, आपको सारे साइंस के बारे में समझ आ जाएगा। एक बात और, आपने जीरो को डिवाइड किया है कभी किसी नंबर से? हम जीरो को टू से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? यस, जीरो आएगा। लेकिन अगर टू को हमें जीरो से डिवाइड करना पड़े तो कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा? कोई आंसर ही नहीं आएगा, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। मतलब हम किसी जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें, सिर्फ जीरो को छोड़कर और भी किसी इंटीजर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है जीरो, और किसी भी इंटीजर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जो अलग अलग टॉपिक्स पे आपकी क्लास के अलग अलग टॉपिक्स पर आती रहेंगी, और सब्सक्राइब करें।